विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा, रमेश मेंदुला को महापौर का टिकट मिले तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतेंगे। हालांकि फिलहाल नगर निगम के चुनाव वर्ष 2021 की तिमाही तक आगे बढ़ गए हैं, किंतु फिर भी कांग्रेस और भाजपा की महापौर एवं पार्षद पद के उम्मीदवारों ने मैदान पकड़ना शुरू कर दिया है। इंदौर में आरक्षण में सामान्य हुई महापौर सीट के लिए जहां कांग्रेस से महापौर पद के लिए संजय शुक्ला का नाम तय माना जा रहा है, वहीं भाजपा से फिलहाल कोई नाम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। किंतु राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा से विधानसभा दो के विधायक रमेश मेंदुला का नाम महापौर का चुनाव लड़ने वालों में सबसे ऊपर है। यदि संजय शुक्ला महापौर का चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में भाजपा को रमेश मेंदुला जैसे कद्दावर नेता को चुनाव लड़ाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि शुक्ला की साम दाम दंड भेद वाली नीति को सही ढंग से भेदने का काम दो नंबरी भाजपाई बड़े आराम से कर सकते हैं। कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार के सामने भाजपा भी ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में रमेश मेंदुला को उतार सकती है। इस मामले में जब हमने विधानसभा तीन के विधायक आकाश विजयवर्गीय से चर्चा की तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यदि रमेश मेंदुला जी को महापौर का टिकट मिलता है तो वे रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता उन्हें काफी पसंद करती है। वे स्वयं 3 बार रिकॉर्ड मतों से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और शंकर लालवानी तथा तुलसी सिलावट के चुनाव प्रभारी बनकर उन्हें भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जितवा चुके हैं। देखिए, रमेश मेंदोला जी का नाम जो चल रहा है वो बहुत ही, मुझे लगता है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि 3 बार के सबसे ज़्यादा वोटों से प्रदेश में जीते हुए विधायक हैं वो, और सांवेर में उन्हें प्रभारी बनाया, रिकॉर्ड मतों से जिताया। शंकर लालवानी जी के चुनाव का भी उन्हें प्रभारी बनाया था लोकसभा का, उसमें भी उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जितवाया। तो कुल मिलाकर के जनता उन्हें बहुत पसंद करती है, इससे ये पता लगता है, कार्यकर्ता उन्हें बहुत पसंद करते हैं ये पता लगता है। इसलिए यदि उन्हें टिकट मिलता है तो निसंदेह हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी।